नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, आप लोगों के जो अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार अभिव्यक्त करती हूं। और आप लोग जो इतना पसंद करते हैं कार्यक्रमों को, उसके लिए भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ एक ही है कि मैं सादर आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि आपने इस अच्छे प्रयास को समझा। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन में शुभता और मांगलिकता बनी रहे। और ये जो छोटे छोटे उपाय मैं बताती हूँ आपको, ये हो सकता है आपको कहीं और ना मिले, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी मौलिक रिसर्च होती है। एक्चुअली रिसर्च उसी को कहा जाता है जिसमें मौलिकता का समावेश हो। अगर किसी की कॉपी की जाती है या किताबों में या ग्रंथों में वर्णित बात को अगर कोई हूबहू बता देता है तो मेरे हिसाब से वो एक रिसर्च वर्क नहीं कहा जाएगा। रिसर्च वर्क में व्यक्ति को खुद को झोंकना पड़ता है, खुद ही अलग अलग परिस्थितियों से को देखता है, समझता है जीवन में, और लोगों से मिलकर उनके अनुभवों को जानकर आपके लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। और जो उपाय करके लोगों को जिनसे फ़ायदा हुआ है वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं, जिससे कि उसका लाभ आपको भी मिल सके। यही उद्देश्य रहता है मेरा। और ज्योतिष में विश्वास और आस्था और परम तत्व में आपकी निष्ठा होनी तो आवश्यक है ही। यदि हम भौतिक चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें लेकिन हमारे भीतर का भक्ति भाव जागृत नहीं है तो फिर हम कुछ किसी भी प्रकार की उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आपको सबसे बड़ी चीज़ है अपने ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। अपना आत्मबल आपको किसी भी प्रकार से कम नहीं करना है, अपना मूल्यांकन कम नहीं करना है। आप ये मान के चलिए कि आप सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ प्राणी हो और भगवान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर आपको इस दुनिया में भेजा है। तो हर पल को सुख से जीने की कोशिश कीजिए। हर पल अपने जीवन से हताशा को दूर भगाने का प्रयास कीजिए। और मेरे जो वीडियो होते हैं वो मैं बिना किसी एडिटिंग के तैयार करती हूँ। मेरे जो वीडियो होते हैं, कोई मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं होती है, इस वक्त कुछ भी मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे लगता है कि आपके साथ मैं शेयर करूँ, वो मैं शेयर करती हूँ। तो कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, बार बार एडिटिंग होकर वीडियो तैयार नहीं होता। जो मैं बोलती हूँ वो लगातार मैं बोलती हूँ और वो लगातार वही चीज़ आपके सामने आती है। तो मैं यही आपके सामने अपनी बात को रखती हूँ कि किस तरह से आपका जीवन अच्छा बन सके और आपके जीवन के संकट दूर हो सकें, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का ये लक्ष्य है सभी भौतिक सुख और जीवन में आराम, जिसको बोलते हैं ऐश, समृद्धि, सब कुछ उसको प्राप्त हो, सब कुछ उसको प्राप्त हो, क्योंकि उसका मौलिक अधिकार है उसका जीवन अच्छे तरह से वो जी सके, ये उसका एक अधिकार है। और इसके लिए किसी भी प्रकार से उसको समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने जीवन को अपने हिसाब से, लेकिन वो तरीका उसका अच्छा होना चाहिए, समाज हित का तरीका होना चाहिए, किसी को भी नुकसान पहुँचाने वाला तरीका नहीं होना चाहिए। तो आइए आज का वीडियो मैं प्रारंभ करती हूँ। और आज का जो विषय है बहुत ही रोचक है, और आज का जो विषय है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत समय से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी और उनको मैं उनकी बात का सम्मान रखते हुए आज का मैं वीडियो बना रही हूँ। आज का जो वीडियो है ये पुराने मंगलसूत्र का क्या करें, पुराने मंगलसूत्र को किस तरह से आपको हटाना है, अगर आप उसको हटाना चाहते हैं जिससे कि आपको कोई नुकसान भी ना हो और आपके जीवन में शुभता, सौभाग्य, मांगलिकता सब बना रहे, और किस तरह का मंगलसूत्र बढ़िया रहता है। हालांकि मंगलसूत्र पर मैं पूर्व में वीडियो बना चुकी हूँ, जो मैं राशि के अनुसार बता चुकी हूँ कि मंगलसूत्र के दाने किस कलर के लेवें, किस कलर का मंगलसूत्र अच्छा होता है। लेकिन फिर भी कुछ बहनों की जिज्ञासा थी, उन्होंने जानना चाहा था कि मंगलसूत्र अगर पुराना हो जाए तो उसका क्या करें, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता। किसी किसी घर में बड़े बुज़ुर्ग नहीं होते दुर्भाग्यवश समझाने वाले, तो वो अपनी प्रॉब्लम किससे पूछें। तो इसी तरह से उन्होंने मुझे अपना समझा, इसके लिए मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ। और उन्होंने मुझसे जानना चाहा है, तो जो मैं महसूस करती हूँ और जो मुझे लगता है कि उनके लिए उपयोगी है वही मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि बहनों, आपको मंगलसूत्र इमिटेशन वाला अवॉइड ही करना चाहिए। हालांकि जिनका लग्न शनि से प्रेरित है, शनि से प्रभावित है, वो चाहें तो इमिटेशन, क्योंकि उसमें कुछ लोहा, तांबा, ये सब कुछ मिलके पता नहीं कैसे बनता है इमिटेशन ज्वेलरी, तो उसमें आप ले सकते हैं वैसे। लेकिन जहां तक हो सके, क्योंकि सुख सौभाग्य का कारक होता है बृहस्पति, और बृहस्पति का जो धातु है वो हम गोल्ड मानते हैं, तो गोल्ड का ही मंगलसूत्र पहनना सबसे अच्छा होता है। अब जो गोल्ड का मंगलसूत्र नहीं पहन सकते उनको पीले रंग का धागा अपने गले में धारण करना चाहिए, और उसमें कोई भी गोल्ड का भगवान का जो पेंडेंट होता है, क्योंकि धार्मिक जो पेंडेंट होते हैं वो भी बृहस्पति के दायरे में ही आते हैं, तो कोई भी धार्मिक पेंडेंट जो आपके इष्ट देव हैं, जैसे भगवान श्री गणेश जी, देवी माँ,
भोलेनाथ किसी का भी आप पेंडेंट पहन सकते हैं। अब यहाँ बात हो रही है कि पुराने मंगलसूत्र की, पेंडेंट भी मंगलसूत्र के अंदर पहने जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, धागे में पहने जा सकते हैं और किसी भी धागे में आप गांठ लगाकर उस डोरे को धारण करते हैं तो उसमें पावर बढ़ जाती है, तो वो भी एक तरह से सुख समृद्धि का ही प्रतीक होता है। लेकिन क्योंकि मंगलसूत्र की बात हो रही है और डोरा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि गला सूना नहीं रहना चाहिए, उस दृष्टि से मैं आपको बोल रही हूँ कि यदि आप समर्थ नहीं हैं तो आप डोरा ही पहन लें, लेकिन आर्टिफिशियल मंगलसूत्र भूलकर भी ना पहने, क्योंकि उससे सौभाग्य नहीं बढ़ता आप, क्योंकि उस वहाँ महत्व धातु का है कि आपने गोल्ड का पहना या आपने सिल्वर का पहना, धातु का महत्व होता है वहाँ, उस काले दानों का, काले मोती का कोई महत्व नहीं होता है। काले मोती का महत्व उस सेंस में होता है कि वो नज़र से आपको बचाते हैं बेसिकली, और मंगलसूत्र उसी स्वरूप में आता है कि जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ हैं उनके सौभाग्य को किसी प्रकार की नज़र ना लगे, इसलिए काले मोती का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बेसिकली स्वर्ण के साथ ही मंगलसूत्र पहना जाए तो वो अधिक उपयोगी होता है, और आर्टिफिशियल पहनने पर वो बात नहीं बनती है। तो इसलिए आप धागा पहन सकते हैं, डोरा पहन सकते हैं, जिससे कि आपका गला भी सूना ना रहे। लेकिन पुराने मंगलसूत्र का क्या करना है, अब पुराना मंगलसूत्र जैसे स्वर्ण का है टूट गया है, चांदी का है टूट गया है, तो उसको बदल कर दूसरा मंगलसूत्र लेकर आ जाएं, इसका तो ये तरीका है। और मंगलसूत्र ना भी लेना चाहें तो कोई भी ज्वेलरी उसके बदले में आप ले लीजिए, और मंगलसूत्र फिर कोई और नया आप लाना चाहें तो वो ला सकते हैं। लेकिन शादी के समय जो पहनाया हुआ मंगलसूत्र होता है, जहाँ तक हो उसको एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, भले ही अगर आपको उसका डिज़ाइन पसंद नहीं है, आप दूसरा लेकर आ गए हैं मंगलसूत्र, तो भी आपको हमेशा उसको संभाल के रखना चाहिए। जैसे सगाई की रिंग हो गई, सगाई के और ऑर्नामेंट हो गए जो लड़का लड़की एक दूसरे को पहनाते हैं, उनको किसी भी रूप में जहाँ तक बेचना नहीं चाहिए, उनको किसी भी रूप में बेचना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो चांदी के होते हैं उनको भी आप यही प्रक्रिया अपनाएं, आप डायमंड के भी पहन सकते हैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो डायमंड के भी पहन सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकन डायमंड लगे हुए भी चांदी के मंगलसूत्र आते हैं, वो भी आप पहन सकते हैं। अब काले दानों के अलावा लाल दानों के भी मंगलसूत्र आते हैं, या सिर्फ गोल्ड के भी दाने होते हैं उसके भी मंगलसूत्र आते हैं। इसके अलावा 2 ग्राम गोल्ड वाली ज्वेलरी भी आती है, तो आर्टिफिशियल की बजाय फिर 2 ग्राम गोल्ड वाली ज्वेलरी भी आप पहन सकते हैं एज ए मंगलसूत्र। अब मंगलसूत्र पुराना हो जाए तो क्या करें उसका, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का तो मैंने आपको बता दिया कि उसका तो ये करना है, या तो बदल के दूसरा ले आइए या कोई और ज्वेलरी ले आइए, और शादी वाली जो मंगलसूत्र है उसको संभाल के रखिए, उसको किसी भी हालत में एक्सचेंज मत करिए, वो रखे रखिए अपने पास में, क्या फ़र्क पड़ता है, आप दूसरा ले लीजिए। क्योंकि महिलाओं के पास एक से अधिक भी मंगलसूत्र होते हैं अलग अलग डिज़ाइन के, और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इसका दूसरे प्रतीक रूप में आप इसका अर्थ ले लें कि एक से ज़्यादा मंगलसूत्र होने का कोई और अर्थ है, ऐसा नहीं है। अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, कई बार लाइट वेट और हैवी वेट मंगलसूत्र भी महिलाएं ले लेती हैं, तो आपको जो इमिटेशन ज्वेलरी के एज ए आपने लिया है, इनकेस आप ले चुके हैं पहले, तो उसका क्या करें। देखिए मंगलसूत्र जो है उसको जहाँ तक हो आप पानी में बहाएं, उसको किसी पीपली पर चढ़ाना या जैसे जहाँ मंदिरों वगैरह में चढ़ाते हैं पुरानी चीज़ें, वो नहीं करनी है। इसके अलावा कुछ बहनों ने पूछा है कि बाई को दे दें क्या मंगलसूत्र, भूल कर भी बाइयों को मत दीजिए, वो आपके सुहाग की चीज़ है, सुहाग की चीज़ कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा कुछ महिलाओं ने ये भी पूछा है कि उनकी बाइयाँ उनसे कहती हैं कि उनके लिए मंगलसूत्र लाकर दे दें, तो अगर आप सुहागिनों को जिमा रही हैं या सुहागिनों के लिए आप कोई कार्य कर रही हैं तो आप मंगलसूत्र किसी को दे सकती हैं। जैसे कि मकर संक्रांति है, उसमें 14 चीज़ें कलप कर सुहागिनों को दी जाती है, या ऐसे और भी अन्य कई अवसर होते हैं, जैसे अष्टमी पे कई सुहागिनों का भी कुछ निमित्त खाना करती हैं कुछ कई जगह पर महिलाएँ, तो ऐसे तौर पर ऐसे रूप में आप मंगलसूत्र कलप कर आप दे सकते हैं बाइने के रूप में महिलाओं को। लेकिन अपना यूज़ किया हुआ मंगलसूत्र किसी भी हालत में आपको बाई को या किसी भी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए, वो आपके सुख सौभाग्य की चीज़ है, और सुख सौभाग्य की चीज़ कभी भी किसी को देने से वो घटती है आपके पास में। अगर आप किसी को देने के इच्छुक हैं तो हमेशा नई चीज़ ही खरीद कर दीजिए, और आप ये भी आपको देखना पड़ेगा आपकी कुंडली के हिसाब से कि आपके लिए स्वर्ण दान करना अच्छा है या चांदी दान करना अच्छा है, क्योंकि ये दान के रूप में ही कही जाएंगी।
ये चीज़ें। इसके अलावा अगर आप बायना वगैरह देते हैं क्लब कर, तो वो दान तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप वो देते हैं तो वो आपको अपनी कुंडली के हिसाब से ही देवें तो ज़्यादा हितकर रहेगा। कई बार कुंडली में ऐसी स्थिति होती है बृहस्पति की कि स्वर्ण का दान करना अच्छा होता है या गिफ्ट में देना अच्छा होता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि स्वर्ण आप किसी को भी गिफ्ट में ना देवें, तो इसलिए आपकी कुंडली की जाँच करा कर ही ये काम आप करें। और ठीक है, वो चीज़ आपको क्लियर हो ही गई होगी कि सोना और चांदी के मंगलसूत्र का क्या करना है अगर पुराने हो जाएँ तो, और इमिटेशन ज्वेलरी के तौर पर नए मंगलसूत्र ना खरीदें क्योंकि वो इतने उपयोगी नहीं होते हैं और बल्कि वो नुकसान ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो हमारा गला है उस पर भी बृहस्पति का अधिकार माना गया है, और उसमें जो आप लोहे का मंगलसूत्र या तांबे का मंगलसूत्र पहन लेते हैं तो वो भी उचित नहीं होता है। तो इसलिए इसके एवज में आप कोई सिंपल चैन पहन सकते हैं जिसमें मोती लगे हुए हों, गोल्ड के या सिल्वर के, वो भी एज ए मंगलसूत्र आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल हैंड मंगलसूत्र भी आ गए हैं जो कि आप हाथ में भी पहन सकते हैं, तो उस तरह के भी आप मंगलसूत्र लेकर हाथ में पहन सकते हैं। गले में अगर आप धारण करते हैं तो स्वर्ण के या सिल्वर के या डायमंड के ही मंगलसूत्र पहने, अदरवाइज आर्टिफिशियल नहीं पहने, या 1 या 2 ग्राम की गोल्ड प्लेटेड मंगलसूत्र भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है आपकी समस्या का निराकरण हो गया होगा, और पुराना जो मंगलसूत्र है इमिटेशन वाला वो जल में ही प्रवाहित करें उसको किसी भी कीमत पर। जो पुरानी चीज़ों के साथ में आप उसको चढ़ा देते हैं पीपली पर या पुराने वृक्षों पर रख कर आ जाते हैं मंदिर प्रांगण में, वो आपको नहीं करना है। और बाई को या किसी अन्य महिला को अपने यूज़ किए हुए मंगलसूत्र किसी हालत में ना दें। तो आज का वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा मित्रों, और आज के मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। भगवान आपके जीवन में शुभता मांगलिकता बनाए रखे, ईश्वर आपको हमेशा प्रसन्न रखे। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।